हेलो बेजी हमारे लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, चक्कास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज बेजी हमारे के अंदर आज के दिन यहाँ पे न्यू इवेंट आई है जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल जीतने के चांसेस है। तो यहाँ पे इवेंट वाले ऑप्शन में जैसे ही आप लोग जाओगे तो सेकेंड नंबर वाले के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे स्लाइड करने पर एक इवेंट देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पे आईक्यू BMPS Z9S प्रो चैलेंज है। तो इस इवेंट का टाइमिंग आप लोग यहां पे देख सकते हो 29 तारीख से, मतलब कि आज से ही इवेंट यहां पे स्टार्ट हुई है और 8-9 तक यहां पे चलने वाली है। मतलब कम से कम गाइस यहां पे 10-11 दिन के आसपास की इवेंट है। इसके अंदर आप लोग देखोगे तो अभी के लिए आप लोगों को नॉर्मली मिशन दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट पे लिखा है प्ले वन गेम ऑफ क्लासिक मोड, मतलब कि आप लोगों को क्लासिक मोड की एक गेम खेलनी है जिससे आप लोगों को यहाँ पे क्लासिक स्क्रैप मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो क्लासिक में आप लोग यहाँ पे 2 गेम खेलोगे तो आपको 120 AG करेंसी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप लोग 3 गेम खेलते हो तो आप लोगों को एक सप्लाई क्रेडिट कूपन मिल जाएगा। और लास्ट में आप लोग देखोगे तो अगर आप लोग क्लासिक मोड के अंदर 4 गेम खेलते हो तो आप लोगों को यहाँ पे एक पैराशूट की स्किन मिलेगी जो कि यहाँ पे टाइम लिमिटेड है। इसका नाम आप लोग देख सकते हो बैटल ग्राउंड पैराशूट है। ये आप लोगों को यहाँ पे टोटल 7 डेज़ के लिए मिलने वाला है। तो वैसे तो गाइज यहाँ पे आप लोग जैसे जैसे मिशन कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को इवेंट के थ्रू ये वाले रिवॉर्ड मिलेंगे। बट यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जहाँ पे हम लोगों का इवेंट का टाइमिंग लिखा है ना उसके जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पे देखो लिखा है स्टैंड अ चांस टू विन द आईक्यू Z9 प्रो बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। मतलब कि इस इवेंट के अंदर अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे जो मोबाइल है आईक्यू Z9 प्रो उसको जीतने के यहाँ पे चांसेस हो जाएंगे। तो गाइज इस तरीके से तो आप लोग यहाँ पे मिशन करोगे, बट यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन लिखी नहीं है कि किस तरीके से ये जो मोबाइल है वो आप लोगों को मिल सकता है। बट इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा तो BGMI के अंदर जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटी इवेंट आती है उसके अंदर यहाँ पे यह रहता है कि जो इवेंट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट है वो आप लोगों को लेना पड़ता है या फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम के अंदर आप लोगों को कुछ रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो इसके अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे ही आप लोगों की ये इवेंट कंप्लीट हो जाए ना तो ये चारों मिशन को आप लोग कलेक्ट मत करना। जैसे ही इवेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों को उसको यहाँ पे जो इंस्टाग्राम है उस पर पोस्ट करना पड़ेगा। तो टोटल 2 चीज़ें आप लोग कर सकते हो, या तो आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फिर उसको आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना पड़ेगा। लेकिन गाइज जब आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो तब आप लोगों को यहाँ पे जो BGMI का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट होगा उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग टोटल 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम में आप लोग अपनी जो स्टोरी लगाते हो वहाँ पे भी स्टोरी लगा सकते हो, लेकिन स्टोरी लगाने के साथ ही आप लोगों को @ लगा के जो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का ऑफिशियल अकाउंट है उसको मेंशन करना पड़ेगा, प्लस #, या आप लोगों को यहाँ पे BGMI इवेंट या ऐसा कुछ लिख देना है। और एज इट इज़ आप लोगों को यहाँ पे जब आप लोग कोई पोस्ट डालो तो पोस्ट के अंदर भी आप लोगों को ऐसे ही करना है, आप लोग या तो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दो या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका लगाते हो या फिर आप लोग वीडियो लगाते हो तो नीचे जो आप लोग कैप्शन लिखते हो ना उसमें आप लोगों को इस इवेंट का नाम लिख देना है, प्लस आप लोगों को यहाँ पे @ बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया करके जो इसका ऑफिशियल अकाउंट है उसको मेंशन कर देना है, प्लस #BGMI इवेंट ऐसे 2-3 आप लोगों को #, यहाँ पे डाल देना है, जिसके थ्रू गाइज यहाँ पे जब BGMI को पता चलेगा कि आप लोगों ने इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करा है तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि उसमें से कोई भी 3 या 5 लकी विनर निकलेंगे, और उन्हीं लकी विनर को गाइज फिर यहाँ पर हो सकता है कि इन गेम मेल के थ्रू या फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप लोगों को मैसेज आ सकता है जिसमें आप लोगों को कोई फॉर्म फिलअप करने के लिए देगा। तो उस फॉर्म के अंदर आप लोगों को बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी और उसके बाद आप लोगों के घर पे ये मोबाइल है वो यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे यही चांसेस हो सकते हैं कि इसी तरीके से इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, बट इससे पहले जितनी भी BGMI की इवेंट आई है वो सब में यहाँ पर ऐसे ही हुआ है, उस अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। बट यहाँ पे जैसे ही मुझे ऑफिशियली कोई भी न्यूज़ मिलेगी तो उसके ऊपर और वीडियो में बना के आप लोगों को दिखा दूँगी। इसी के साथ गाइस आज के दिन ही यहाँ पे BGMI के अंदर एक और इवेंट आई है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊं। तो नॉर्मली आप लोग यहाँ पे जो डील वाले ऑप्शन में जाते हो उसमें आप लोग देखो 3rd नंबर पे आप लोगों को ग्रोइंग पैक करके इवेंट देखने को मिलेगी जो कि 29/8 आज से ही ये इवेंट स्टार्ट हुई है और 8-9 तक चलने वाली है। मतलब जो इवेंट मैंने आपको बताई उससे
के अकॉर्डिंग ये भी टाइमिंग है सेम टू सेम। इसके अंदर गाइज आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग पैक दिए जाते हैं, जिसमें यहाँ पे क्या रहता है कि पूरी इवेंट के अंदर आप लोग सिर्फ एक ही पैक को यहाँ पे परचेस कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है कि 250 cc का पैक अगर आप लोग यहाँ पे लेते हो तो उसमें आपको एक मिनी मटेरियल, एक यहाँ पे जो मैथिम एमलेम का फ्रेगमेंट है वो, और एक यहाँ पे 50 cc का वाउचर मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग सेकेंड पैक लेते हो तो आप लोगों को यहाँ पे इसमें 250 cc प्लस 50 पॉइंट लगाने पड़ेंगे, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे एज इट इज़ रिवॉर्ड प्लस जो वाउचर है वो दो मिल जाएंगे। उसके बाद 350 का है, 370 का है, अलग अलग पैक आप लोग देख सकते हो। अब गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि इसके अंदर आप लोग पूरी इवेंट में सिर्फ एक ही पैक ले सकते हो, तो अगर आप लोगों को थोड़े बहुत बेनिफिट चाहिए तो आप लोग लास्ट वाला पैक ले सकते हो, जिसमें आप लोगों को 250 cc लगाने हैं। इसमें आप लोगों को प्लस 820 पॉइंट भी लगाने हैं, और इससे आप लोगों को 3 रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जिसमें 3 मिनी मटेरियल, 5 मैथिक एम्ब्लेम फ्रेगमेंट और 5 आप लोगों को यहाँ पे 50 cc के वाउचर मिल जाएंगे। तो इससे पहले हम लोगों की जितने भी ग्रोइंग पैक की इवेंट आई है उसमें आप लोगों को यूसी थोड़े बहुत तो वापस मिलते हैं, बट इस बार यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोग इसमें से कोई पैक लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना तो भी इतना कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब यहाँ पे जो लास्ट में पैक है जिसमें आप लोगों को 820 पॉइंट की भी ज़रूरत है, तो वो पॉइंट आप लोगों को किस तरीके से मिलेंगे तो आप लोग देखो, लेफ्ट साइड में ग्रोइंग पॉइंट लिखा है, उसके जस्ट नीचे मिशंस का ऑप्शन है, तो इसी मिशंस को आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट मिलते जाएंगे, और उसी पॉइंट से आप लोग फिर यहाँ पे लास्ट में यूज़ कर सकते हो। तो मिशन भी इतने ईजी है, जिसमें आप लोगों को 5 दे लॉग इन करना है, 60 मिनट गेम में स्पेंड करना है, 30 मिनट गेम में स्पेंड करना है, 60 UC का परचेस करना है, 120 UC परचेस करना है, 180 UC, 240, 300, 360, उसके बाद 420, 480, 600 तक UC आप लोगों को यहाँ पे परचेस करने हैं। उसके बाद आप लोगों को क्लासिक मोड में टॉप 3 में आना है, 8 एनिमी मारने हैं। नेक्स्ट आप लोगों को क्लासिक या आर्केड में आप लोगों को फ्रेंड के साथ मैच कम्प्लीट करनी है। उसके बाद 10 मैच कम्प्लीट करनी है, 4 एनिमी मारने हैं, 5 आप लोगों को मैच कंप्लीट करनी है। तो इसी तरीके से छोटे मोटे मिशन है जो कि बहुत इजी है, इसको आप लोग कंप्लीट करके ग्रोइंग पॉइंट है वो यहाँ पे ले सकते हो, फिर इसमें से कोई सा भी पैक आप लोग यहाँ पे परचेस कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे जो ग्रोइंग पैक की इवेंट है ना, इसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पे जो टिकट रहती है वो भी मिलेंगी, जिसके लिए आपको क्या करना है कि ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ग्रोइंग पैक देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा है कि आप लोगों को एक बार ग्रोइंग पैक परचेस करना है, जिससे आपको 2 टिकट मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों को 200 ग्रोइंग पॉइंट लेने हैं, आपको 500 लेने हैं, 800 लेने हैं, और लास्ट में 1000 ग्रोइंग पॉइंट लेने हैं, जिससे आप लोगों को यहाँ पे ये जो सारी टिकट है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस इवेंट का फ़ायदा आप लोग इसी तरीके से उठा सकते हो कि मिशंस को कंप्लीट करके इसके अंदर जो टिकट है वो तो आप लोग ले ही लेना, भले आप लोग ग्रोइंग पैक परचेस करो या ना करो, वो टिकट तो आप लोगों को मिल ही जाएगी। तो आई होप आप लोग इवेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। चले गए, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।